नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSSC एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का इतिहास भाग नंबर 2। इससे पहले हमने पढ़ा दोस्तों पार्ट 1, जिसमें हमने वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक का इतिहास कंप्लीट पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं हरियाणा का इतिहास का पार्ट नंबर 2। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हरियाणा का जो पार्ट नंबर 2 का इतिहास है वो हमारा 9वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ? 9वीं सदी से। 9वीं सदी में हरियाणा में एक राष्ट्र था जिसका नाम था अगर गणराज्य। इसे अग्रणी के नाम से भी जाना जाता है, अग्रणी। एक बार इसकी परीक्षा में राजधानी पूछी गई थी, इसकी राजधानी होती थी अगर गणराज्य की राजधानी होती थी अग्रोहा। कौन सी होती थी? अग्रोहा। अग्रोहा महाराजा अगरसेन से संबंधित शब्द है। महाराजा अगरसेन से संबंधित। एक बार ये भी पूछा गया था कि वर्तमान में अग्रोहा से संगीत के कुछ स्वर सारे गामा पादानी, ये जो संगीत के स्वर थे ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं अग्रोहा से। कौन से मिले हैं? सारे गामा पादानी। जो ये संगीत के साक्ष्य एक ईंट पर लिखे हुए मिले थे, कहाँ पे मिले थे? संगीत के साक्ष्य लिखे हुए ईंट हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमें प्राप्त हुई है अग्रोहा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं मध्यकालीन हरियाणा। क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन हरियाणा। मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास होता है महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी बहुत ही करूर शासक था जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार आक्रमण किया था। जो इसका सबसे पहली बार आक्रमण था, सबसे पहला आक्रमण था 1009 ईस्वी में। कब था? 1009 ईस्वी में इसने थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय थानेसर के राजा होते थे जयपाल। सबसे पहले इसने 1009 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया, थानेसर। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिए, 1009 ईस्वी में थानेसर आक्रमण के लिए आया था, लेकिन इसने 1009 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन तो एक बार ये पूछा गया था कि हरियाणा पर दूसरा आक्रमण कब किया था? दूसरी बार या पहली बार आया था वो किया था, जो आक्रमण किया था वो किया था 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। 1014 ईस्वी में कहा आक्रमण किया? थानेसर पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के राजा होते थे जयपाल। थानेसर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के शासक कौन होते थे? वहाँ के शासक होते थे जयपाल। महमूद गजनवी ने 1014 में राजा जयपाल को हराकर वहाँ पर एक मूर्ति तोड़ी थी। मूर्ति का नाम था चक्कर स्वामी की मूर्ति। तोड़ने की वजह से महमूद गजनवी को मूर्ति बंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है मूर्ति बंधक की उपाधि किसे मिली थी? मूर्ति बंधक कहा जाता था महमूद गजनवी को। उसके बाद आगे आता है, उसके बाद यह आता है कि इसका दूसरा नाम क्या था? इसका नाम दूसरा नाम होता बुद्ध किशन। इसका दूसरा नाम बुद्ध किशन भी होता था। बुद्ध किशन और मूर्ति बंधक, ये महमूद गजनवी को कहा जाता मूर्ति बंधक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके बाद आगे एक बार ये पूछा गया था कि दोस्तों जो इसके साथ एक अलबरूनी भारत आया था, इसके साथ एक शासक भारत आया था महमूद गजनवी के साथ, वो कौन था जिसका नाम था अलबरूनी। इसके साथ भारत आया था और अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी थी अलबरूनी ने? उसने लिखी थी किताबुल हिंद। में इसने किताबुल हिंद के अंदर इसने अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। कौन नाम था? किताबुल हिंद। दोस्तों ये अलबरूनी पहला ऐसा मुस्लिम व्यक्ति था जिसने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया था। पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने वेदों और पुराणों का अध्ययन किया था वो था हमारा अलबरूनी। उसके बाद आगे आता है कि जो महमूद गजनवी होता था इसने एक बार 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया था। क्या सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण का परीक्षा पूछा गया था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था साथियों 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे आता है तोमर वंश। कौन सा वंश आता है? तोमर वंश। तोमर वंश की हमें एक बात याद रखनी है, तोमर वंश, तोमर वंश का खात्मा हरियाणा में अरुणराज चौहान ने किया था। तोमर वंश का खात्मा किसने किया था साथियों? तोमर वंश का खात्मा किया था अरुणराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। अरुणराज चौहान ने तोमर वंश का हरियाणा से खात्मा किया था। और इन्होंने खात्मा कब किया था, एक बार ये पूछा करते हैं, हरियाणा से तोमर वंश का खात्मा कब किया गया था? ये किया था दोस्तों 1139 ईस्वी में अरुणराज चौहान ने तोमर वंश का खात्मा किया था। उसके बाद आगे आते महमूद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी सबसे पहले मोहम्मद गोरी कहाँ से आना था? ये था दोस्तों गजनी का शासक। गजनी हमारा अफगानिस्तान में रहेगा, कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। उसके बाद आगे ये पूछा गया था कि इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? इसने 1191 और 1192 में दो युद्ध लड़े थे। 1191 ईस्वी, काफी बार शिक्षक ने पूछा चुका है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1191 और द्वितीय युद्ध 1192। 1191 में इसने एक युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान और सिद्ध मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। इस युद्ध का क्या नाम है? इस युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन हमारा करनाल जिले में रहेगा साथियों। उसके बाद आगे आते 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में फिर मोहम्मद गोरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192। तराइन का दूसरा युद्ध, पहले युद्ध में हमारा पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, दूसरा युद्ध भी इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते साथ ही, उसके बाद आगे आता है हमारा, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक तो बात और याद रखनी है। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर का शासन किया है, ये 1177 से लेकर अजमेर का शासन कम से कम तक किया था। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के युद्ध से पहले कहाँ के शासक थे? ये थे अजमेर के शासक। इन्होंने अजमेर का शासन किया था 1177 से लेकर 1192 तक। 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर का शासन किया था। और इनका जो दरबारी कवि था उसका नाम, वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पता चला पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज राशो। चंद्र बरदाई की पुस्तक का क्या नाम था? चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज राशो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में पारसी में आशीर्गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में आशीर्गढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। आशीर्गढ़ के किले का भी निर्माण किसने करवाया था? आशीर्गढ़ किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान। एक तो था आशीर्गढ़ का किला। और इसके बाद आगे आता है, इन्होंने एक बार तो शाम की बारादरी का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और किसका? तो शाम की बारादरी का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान ने। इसे तोशाम की बारादरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी काफी रहेगी साथियों, ये रहेगी तोशाम में। इसे पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वी कचहरी भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गुलाम वंश की ओर। कौन से वंश की ओर बढ़ते हैं? उसके बाद आगे
उसके बाद आगे बढ़ते हैं साथ ही गुलाम वंश को। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी और इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? इसका शासनकाल रहेगा 1206 से 1290 तक। शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा था। गुलाम वंश के बाद आ गया था सूर वंश 1291 से 1290 से 1314 तक। उसके बाद आगे बढ़ते साथियों, उसके बाद आगे एक बार ये पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन, इसका एक पुत्र था बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। और बलबन की पुत्री थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। यही क्वेश्चन परीक्षा में काल का पूछा जाता था। तो रजिया सुल्तान थी पहली शासिका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी साथियों? ये थी रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को। इसका शासनकाल पूछा गया, इसका शासनकाल रहेगा 1236 से 1240 तक। और इसका जो मकबरा, इसकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को कैथल जिले में कर दी गई थी। इसकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में कर दी गई थी। इसी वजह से इसका जो मकबरा रहेगा, रजिया सुल्तान का मकबरा, वो भी हमारा कहाँ पे रहेगा? रजिया सुल्तान का जो मकबरा रहेगा वो भी हमारा कैथल जिले में ही रहेगा। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? वो भी हमारा कैथल जिले में ही है। और हमें ग्यासुद्दीन बलबन से एक दो बात और याद रखनी है साथियों, वो है दोस्तों, ग्यासुद्दीन बलबन ने एक बार मेवातियों पर आक्रमण किया था। ग्यासुद्दीन बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 1265 में। मेवातियों पर आक्रमण कब किया था? 1265 में ग्यासुद्दीन बलबन ने मेवातियों पर आक्रमण किया था। और ग्यासुद्दीन बलबन बहुत ही प्रमुख शासक था। यह मुस्लिम, यह पूरे भारत को मुस्लिम साम्राज्य बनाना चाहता था। इसने लो एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। कौन सी थी? लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? अपनाई थी ग्यासुद्दीन बलबन, लो एवं रक्त की नीति। लो एवं रक्त नीति अपनाने वाला शासक कौन था? वो था साथियों बलबन। बलबन के बाद आगे आता है, इसने एक बार गोपालगिरी का किला जो गुरुग्राम जिले में, उसका निर्माण करा था। किसका निर्माण करा था? गोपालगिरी का किला कहाँ पे है साथियों? ये रहेगा दोस्तों हमारा गुरुग्राम में। इसका निर्माण किसने करा, किसने करा था? इसका निर्माण करा था साथियों बलबन ने। किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था बलबन ने। उसके बाद आगे बढ़ते साथियों तुगलक वंश की ओर। तुगलक, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों बलबन से। एक बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि किस शासक ने मेवातियों को दमन करने का काम किया था? किस गुलाम वंश के किस शासक ने मेवातियों को दमन करने का काम किया था? वो किया था बलबन ने। गुलाम वंश के किस शासक ने मेवातियों का दमन करने का काम किया था? वो किया था ग्यासुद्दीन बलबन। मेवातियों का दमन किसने किया था? ग्यासुद्दीन बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। इसके बाद हम आगे बढ़ते साथी तुगलक वंश की ओर। तुगलक वंश के उसके बाद आगे आता साथियों हरियाणा में इम्पोर्टेंट है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और इसका शासनकाल था, सबसे लंबा शासनकाल था इस वंश का, 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से 1414 तक। अभी हरियाणा के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, तुगलक वंश का एक शासक होता था फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रत्येक परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक, इसने हरियाणा में कुछ शहर बसाए थे जिनकी स्थापना आज हर जिले में, सबसे पहले इसने बसाया था हरियाणा का हिसार जिला। इसने हरियाणा 1354 में हिसार का गठन किया था। दूसरा रहेगा हमारा फतेहाबाद। इसने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद का गठन किया था। फतेहाबाद 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। और तीसरा रहेगा फिरोजाबाद। ये तीनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया निम्न में से कौन
थे ईसार थे आबादों फिरोजाबाद इनों त्रेसौ तुम्हें के द्वारा बसाए गए थे। तीसरा रहेगा हमारा फिरोजाबाद जो वर्तमान में सिरसा जिले के अंतर्गत आ रहा है। फिरोजाबाद फिरोजाबाद का दूसरा नाम रहेगा इरणीखेड़ा। फिरोजाबाद का दूसरा नाम हमारा इरणीखेड़ा, ये हमारा सिरसा में रहेगा। इरणीखेड़ा सिरसा जो फिरोजशाह तुगलक था इसका शासनकाल था, इसका 1351 से लेकर 1388 तक। इसका शासन कम से कब तक था? 1351 से 1388 तक। इसने कुछ निर्माण करवाए थे हरियाणा में, प्रमुख निर्माण करवाए थे जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वे हैं साथियों हमारे फिरोजशाह पैलेस, गुजरी महल और लास्ट की मस्जिद। जो इसने निर्माण करिए हरियाणा में दरबार हुए कौन से? फिरोजशाह पैलेस। कौन से रहेंगे? फिरोजशाह पैलेस, फिरोजशाह पैलेस। ये हमारा इशार में है और गुजरी महल, गुजरी महल भी हमारा इशार जिले में स्थित है। गुजरी महल और लाठ की मस्जिद, लाठ की मस्जिद, ये तीनों इशार जिले में स्थित है। इनका निर्माण फिरोजशाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आगे आते साथ इसके बाद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने इसके बाद आगे था तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इससे हमें एक बात याद रखनी है, इससे हमें यह बात याद रखनी कि इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में ईरान का एक शासक था तैमूर लंग। तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1398 में। कब किया? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरियाणा पर आक्रमण किया था। हरियाणा पर आक्रमण किया 1398 आक्रमण। ये भी पूछा गया था कि इसने जो हरियाणा पर आक्रमण किया था वो किस दिशा से किया था? वो क्या था? राजस्थान की साइड से, यानी कि सिरसा जिले के रानिया से इसने हरियाणा में प्रवेश किया था और हरियाणा सिरसा फतेहाबाद कैथल को लूटता हुआ आगे बढ़ गया था। उसके बाद आगे बढ़ते साथ उसके बाद आगे हमारा आता है, उसके बाद आगे आता हमारा लोधी वंश की स्थापना 1451 में पैदा लोधी के द्वारा की गई थी। लोधी वंश के संस्थापक थे पैदल लोधी, जिसके साथ 1451 में पैदल लोधी द्वारा की स्थापना की गई थी। लेकिन हरियाणा के हिसाब से हमें पढ़ना चाहते हो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने हरियाणा में लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये नेशनल जीके के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है साथ में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। ये किस किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किस किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों इब्राहिम लोधी इस युद्ध में मारा गया था। एक प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों कि मध्यकालीन भारत का पहला शासक जो युद्ध के दौरान मैदान में मारा गया वो था इब्राहिम लोधी। मैदान में मारा जाने वाला पहला शासक था इब्राहिम लोधी। और इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया? पानी के पानीपत के पक्ष युद्ध किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था बाबर के द्वारा। इसके बाद एक प्रश्न हो रहा था दोस्तों, मोहन सिंह भंडार जो कैथल रियासत से थे, मोहन सिंह भंडार ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ये कहाँ कौन सी रियासत से संबंधित थे? मोहन सिंह भंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ये कौन सी रियासत थे दोस्तों? ये थे साथियों कैथल रियासत से। मोहन सिंह भंडार का संबंध कैथल रियासत से था। इन्होंने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद हमारे बच्चे साथियों उसके बाद आगे मराता है, आगे आते हैं साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526, दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध ये किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था दोस्तों अकबर का एक संरक्षक होता था, अकबर का एक सेनापति के साथ जिसका नाम होता था बैरम खा और रेवाड़ी के शासक चंदर एहमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अकबर के संरक्षक
راح مركز خاصة بيرم خا بيرم خا ورسيت إم تندر إمو إم تندر एम चंदर एक व्यापारी होता था जिसने बैरम अकबर के संरक्षक बैरम खा के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। एम चंदर कहाँ का शासक था ये बताओ। साथियों रेवाड़ी से जिस समय पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया उस समय अकबर केवल 13 साल का था। अकबर की आयु उस समय 13 वर्ष की होती थी, इसलिए बैरम खा ने उसकी ओर से युद्ध लड़ा था। उसके बाद आगे आता है साथियों हमारा सूर्य शेर शाह सूर्यवंश। कौन सा वंश आता है? सूर्यवंश यानी शेर शाह सूर्य से संबंधित शेर शाह सूर्य शेर शाह सूरी के बचपन का नाम होता था हमारा फरीद खां। इनकी माता की मृत्यु बचपन ये जब इनका जन्म हुआ था उसके कुछ समय बाद इनकी माता की मृत्यु हुई थी। इनका लालन पालन की सौतेली माँ के पास रहते थे। ये भी अपनी सौतेली माँ से दूर होकर अपने दादा के पास चले गए थे। इनके दादा कहाँ रहते थे? इनके दादा का नाम एक बार पूछा करता है कि शेर शाह सूरी के दादा का क्या नाम रहेगा? इनके दादा का नाम रहेगा साथियों इब्राहिम खान। शेर शाह सूरी के दादा का नाम रहेगा इब्राहिम खान। और ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे साथियों हमारे नारनौल में। कहाँ रहते थे? नारनौल रहेगा जिला मेरठ में। इसकी तापना गुरु ने शासक को की थी। इब्राहिम खान कहाँ पे रहे? इब्राहिम खान का शासक था जिला नारनौल का। इन्होंने बचपन के नाम का फरीद खान बचपन नाम फरीद खा उस समय बाद अपने दादा इब्राहिम खान के पास चले गए थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि इब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा रहेगा साथियों नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा हमारा रहेगा नारनौल में। एक बार ये पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कोशिंदार का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। हरियाणा में सबसे ज्यादा कोशमीनार का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। और एक बताइए कितनी कोष मीनार का निर्माण किया? इसने करवाया था 88 कोष मीनार का निर्माण करवाना शासक था शेरशाह सूरी। तो साथियों ये था हरियाणा का इतिहास का भाग नंबर 2। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।